अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। टुडे वी विल डिस्कस सेकंड टॉपिक इन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड दैट इज सॉलिड एंगल एंड इट्स यूनिट स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल हम पहले डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है। सो सॉलिड एंगल इज ए 3D एंगल, थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय अ कोन एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस इन सच अ वे दैट दे फॉर्म 3D एंगल। तो 3D एंगल क्या है, इसके लिए पहले आप एक स्फीयर को अपने जहन में लाएं, ठीक है, और उस स्फीयर का ऊपर वाला सरफेस एरिया अपने जहन में कंसिडर करें। स्फीयर है और उसके ऊपर वाला सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया अगर हम सेंटर की तरफ नीचे ले जाए तो उससे एक कोन शेप बनता है, जैसे ये हमें हमारे पास है, ठीक है, ये स्फीयर है और अगर ये एरिया हम सेंटर की तरफ पीछे ले जाए तो ये कोन हमारे पास बनता है इस तरह, ठीक है, कि ये लेट्स से ये आपके पास वो कोन है, ठीक है, कि इसमें नीचे की तरफ इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी ये गया हुआ है इन 3 dimensions। देखिए x एक्सिस हमारे पास है, ठीक है, y एक्सिस भी है और z एक्सिस, यानी 3 dimension में ये एंगल फैला हुआ है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये जो एरिया है, जो ऊपर का एरिया है जो हमने यहाँ पर इसके साथ लिया तो नहीं हुआ, ठीक है, तो ये इस सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, और वो एंगल आम एंगल से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कैसे मुख्तलिफ है तो उसको हम देखते हैं। देखिए पहले प्लेन एंगल हमारे पास 2 lines के बीच में बनता था और ये एंगल हमारे पास कई लाइंस के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब आप देखें लेट्स से यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसके लिए दूसरे साइड पे एक लाइन, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में आप देखें कि एक एंगल इस तरह बन रहा है यहाँ सेंटर पे, ठीक है, सेंटर में आपने देखना है वहाँ एक एंगल बन रहा है इस लाइन और इस लाइन के बीच में। इसी तरह ये नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला एक लाइन है, इनके बीच में भी अगर आप सेंटर पे देखें तो इधर एक एंगल बन रहा है, आप इसके अंदर देखें तो ऐसे एक एंगल बन रहा है, ऐसे साइड वाला एक लाइन और इस साइड वाला एक लाइन, इस साइड वाला लाइन और इस साइड वाला लाइन, इन लाइंस के बीच में भी अंदर एक एंगल बन रहा है। ये कंबाइनली एक ही एंगल बना रहे जो आपको इस कोन के अंदर नजर आ रहा है और ये एंगल 2 dimensions में नहीं फैला हुआ, ठीक है, ये 2 dimensions में नहीं फैला हुआ कि ये सिर्फ xy में है, ये 3 dimensions में फैला हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको x dimension ले लेते हैं, ये वाला x है और ये वाला x है, ठीक है, और इस तरह ये हमारे पास y है और ये y है, ठीक है, तो y dimensions, और इस तरह ये तिरछा वाला आप इसको z एक्सिस ले सकते हैं, तो ये एंगल हमारे पास बन रहा है इन 3 dimensions। इसको अंदर से आप देखें ये 3 dimensional एंगल्स है, कई लाइंस के बीच में एंगल एक वक्त बन रहा है, सो ये एंगल थोड़ा मुख्तलिफ है और इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। सो सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो हमारे पास है स्टेरेडियन, ठीक है। व्हाट इज स्टेरेडियन, तो स्टेरेडियन इज द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय अ सरफेस ऑफ स्फीयर। ये वो एंगल है जिसको किसी सरफेस का कोई पोर्शन बनाएगा सेंटर के साथ, सबटेंड मींस बनाएगा दूर से, ठीक है, तो ये एरिया पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर ये इस सेंटर के साथ कोई एंगल बनाएगा, ठीक है, दिस थीटा, सच दैट एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा है कि ये एरिया इस आर स्क्वायर के बराबर हो। अगर ये एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो, ये एरिया आप कैलकुलेट करें और आर को देखें तो एरिया इस आर के स्क्वायर के बराबर आता हो, तो फिर ये एरिया यहाँ पे इस सेंटर के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल हमारे पास है 1 steradian, ठीक है। सो अगर आप इसको ऐसे देखें तो अगर ये एरिया आप कैलकुलेट करें इसके फार्मूले से, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल के फार्मूले से आप इसको मालूम करें और फिर इस आर को आप देखें, ये आर और ये एरिया कंपेयर करें, अगर एरिया आर के स्क्वायर के बराबर हो तो फिर एंगल हमारे पास बनता है 1 steradian। यहाँ देखें, इफ आर लेट सपोज इज 3 cm, हमारे पास ये आर 3 cm है और आपने एरिया मालूम किया और वो 9 cm² निकला, तो फिर
थीटा हमारे पास 1 स्टेर रेडियन है, क्योंकि इस आर का स्क्वायर ले तो 3 स्क्वायर बनता है, और यहाँ एरिया भी हमारे पास 9 आया है, 3 स्क्वायर इज 9, एरिया भी 9 है, तो ये एरिया जो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो हमारे पास एंगल बनाएगा 1 स्टेर रेडियन। इसी तरह अब अगर हमारे पास एरिया जो है वो 2r स्क्वायर हो, यहाँ आप देखें ये एरिया लेट से अब हमारे पास डबल ऑफ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आपने मालूम किया और एरिया आपने मालूम किया, एरिया को जब आपने देखा तो वो आर स्क्वायर के डबल में आ रहा था, ठीक है। तो लेट से आर स्क्वायर हमारे पास 9 आ रहा है और एरिया जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, जो कि डबल ऑफ आर स्क्वायर है, तो फिर एंगल कितना बनेगा, फिर एंगल हमारे पास होगा 2 स्टेर रेडियन, डबल ऑफ द प्रीवियस एंगल। प्रीवियस एंगल जब आर स्क्वायर का केस था तो 1 स्टेर रेडियन था, जब 2 आर स्क्वायर का केस होगा तो 2 स्टेर रेडियन होगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर एरिया ऑफ कंसर्न जो है, जो सरफेस एरिया है स्फीयर के ऊपर आपने एरिया कंसिडर करना है, जैसे आपके पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल के पास आपने कुछ एरिया कंसीडर कर लिया और वो एरिया आप नीचे की तरफ ले जाए तो वो एक एंगल बनाएगा। अब अगर ये एरिया 3r स्क्वायर के बराबर हुआ, 3r स्क्वायर के बराबर निकला, तो फिर ये एंगल बनाएगा 3 स्टेर रेडियन, 4r स्क्वायर के बराबर होगा तो 4, ठीक है। अब आप पूरा स्फीयर लेते हैं, लेट्स से आपने पूरा स्फीयर लिया, ठीक है, तो ये पूरा स्फीयर इस सेंटर के साथ कैसा एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, तो उसके लिए पहले हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। लेट्स से हमारे पास एरिया 4 पाई r स्क्वायर हो तो फिर थीटा कितना होगा, फिर थीटा हमारे पास 4 पाई स्टेर रेडियन होगा। जैसे आप यहां देखें एरिया इज 1r स्क्वायर तो 1 स्टेर रेडियन, एरिया 2r स्क्वायर तो 2 स्टेर रेडियन, 3r स्क्वायर तो 3 स्टेर रेडियन, 4 पाई r स्क्वायर तो 4 पाई स्टेर रेडियन एंगल। फिर हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का जो पूरा एरिया है वो 4 पाई r स्क्वायर है, तो और 4 पाई r स्क्वायर के लिए हमने स्टेर रेडियंस निकाले हुए हैं वो है 4 पाई स्टेर रेडियन, सो वी कैन से दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मेक्स 4 पाई स्टेर रेडियन एंगल विद सेंटर और एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये पूरा एरिया, स्फीयर का पूरा एरिया सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 4 पाई स्टेर रेडियन, या किसी भी इंटरनल पॉइंट के साथ। ये इंटरनल पॉइंट आप इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, तो उसके साथ एंगल तो बना रहा है पूरा स्फीयर। तो जब पूरा स्फीयर आप लेते हैं, चाहे सेंटर है चाहे कोई इंटीरियर पॉइंट है, मींस एंगल विल बी 4 पाई स्टेर रेडियन, और ये हमने यहां से निकाला, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन को देखें, ए हार्ड बॉल आफ्टर बीइंग हिट ऑन बैट ब्रेक्स इनटू 2 हाफ्स। एक हार्ड बॉल है, उसको बैट से जोर से मारा गया और वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, बराबर टुकड़ों में हाफ्स की बात है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच हाफ मेक्स दिस स्टेर रेडियन एंगल विद द प्री प्रेजेंट सेंटर ऑफ स्फीयर। पहले से जो सेंटर मौजूद था स्फीयर का, उसके साथ वो एक टुकड़े का जो सर्कुलर एरिया है वो कितना एंगल बना रहा है, तो आप देखें यहाँ पर आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया, जो एक पार्ट था वो ये बन गया। अब ये एरिया इस सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जब पूरा स्फीयर था तो वो बना रहा था 4 पाई स्टेर रेडियन, अब जब आधा स्फीयर हो गया, ये आधा बन रहा है, तो अब ये कितना एंगल बनाएगा, सो 4 पाई स्टेर रेडियन डिवाइड बाय 2, 4 पाई डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 2 पाई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह अगर चार टुकड़ों में आप तकसीम करते हैं तो 4 पाई डिवाइड बाय 4, 6 तो 4 पाई डिवाइड बाय 6, इस पे किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से करेंगे। अब जब आपको एरिया आपको गिवन हो सरफेस एरिया के, इतना सरफेस एरिया आप स्फीयर का कंसीडर करें और बताएं कि ये सेंटर के साथ कितने स्टेर रेडियन एंगल बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको सरफेस एरिया गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि ये स्टेर रेडियन ये सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास है टू फाइंड नंबर ऑफ स्टेर रेडियन वी विल यूज दिस फार्मूला, स्टेर रेडियन इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एरिया को आप सिंपली आर स्क्वायर पे डिवाइड करें, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ए स्फीयर हैज अ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है हमारे पास उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ए सर्कुलर पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब इस स्फीयर के सरफेस का एक सर्कुलर पोर्शन है, स्फीयर पे हम सर्कुलर पोर्शन लेते हैं ऊपर,
उसका अपना रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो भी एक सर्कल हमने लिया है तो उसका भी रेडियस बनेगा एंड रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर, वो आपको गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एरिया है, जो सर्कुलर एरिया आपने लिया है, ये इस सेंटर के साथ कितने स्टेरेडियन एंगल बनाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये एरिया मालूम करें। हमारे पास ये एरिया नहीं है, इसका सिर्फ रेडियस गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर्ड। यहां इस आर को हमने आर डैश का हुआ है, तो आर डैश स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाइड 2 स्क्वायर, 2 आपने लेना है। क्यों? क्योंकि हम इस सर्कल का एरिया मालूम कर रहे हैं, तो ये वाला रेडियस लेना है। सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर विच इज 12.56। अब आपके पास ये एरिया आ गया। अब आपसे पूछा, ये भी पूछा जा सकता है कि 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन इस केस में आप जो है वो सिर्फ आपको आर गिवन है और एरिया आपने खुद मालूम करना है। सो एरिया हमने मालूम किया, एरिया हमारे पास 12.56 है, इस फार्मूले में पुट करें जो हमने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है। सो 12.56 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। अब हमने 3 स्क्वायर लेना है क्योंकि स्फीयर इस ये स्फीयर अंडर कंसिडरेशन है। अब तो उसकी बात तो खत्म हो गई, ठीक है। हम तो असल में हमारे पास रेडियस ये है स्फीयर का, ठीक है, कंपेरिजन इसके साथ चल रही है, ठीक है, और डेफिनेशन में हमने स्फीयर का रेडियस कंसीडर किया था। सो 12.56 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, इससे हमारे पास आ रहा है 1.39 स्टेरेडियन एंगल बन रहा है। स्टेरेडियंस टू स्क्वायर डिग्रीज, स्टेरेडियंस को हम स्क्वायर डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। स्क्वायर डिग्री इज द क्लासिकल यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का क्लासिकल यूनिट है। जैसे हमें पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2 पाई, इससे हमने 57.3 डिग्री निकाला था, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और उसमें सिर्फ स्क्वायर ले रहा हूँ, दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें। स्क्वायर आपने लिया तो ये आपके पास बन गया स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन किसी दूसरी लैंग्वेज ग्रीक का आई थिंक वर्ड है, स्क्वायर रेडियन इसका मतलब है स्क्वायर, ठीक है। सो स्टीरोन एंड रेडियंस, स्टीरोन एंड रेडियंस तो स्टेरेडियन, ठीक है। स्टीरोन का मतलब है स्क्वायर, स्क्वायर रेडियंस। सो वन स्टेरेडियन विल बी इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करें तो इससे आपके पास आ जाएगा 3286.13 स्क्वायर डिग्रीज, ठीक है। इतने स्क्वायर डिग्रीज है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें कि 1 स्टेरेडियन इतने स्क्वायर डिग्रीज के बराबर है। इसमें क्वेश्चन को देखें, 1 डिग्री स्क्वायर इज इक्वल टू डैश, 1 डिग्री स्क्वायर किस चीज के बराबर है, 1 डिग्री स्क्वायर या 1 स्क्वायर डिग्री किस चीज के बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 MSR 0.3 MSR 3286 स्टेरेडियन, 3 माइक्रो स्टेरेडियन। तो यहां आपने सोच से काम लेना है, ऐसा ना हो कि आप इसको ऑप्ट करें, हालांकि वो 1 स्टेरेडियन इज इक्वल 3286 स्क्वायर डिग्रीज है। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि 1 स्क्वायर डिग्री किस चीज के बराबर है, तो 1 स्क्वायर डिग्री आप इस चीज को उधर शिफ्ट करेंगे, ये डिवीजन में चला जाएगा। यहां देखिए 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू दिस मेनी स्क्वायर डिग्रीज, 1 स्टेरेडियन डिवाइड बाय 3286, इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, इधर हमारे पास रह जाएगा 1 स्क्वायर डिग्री, ठीक है। 1 स्क्वायर डिग्री इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये आ रहा है 0.0003 स्टेरेडियन। इस पॉइंट को इधर ले जाए, ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10^-3, 10^-3 मिली के बराबर है, तो 0.3 मिली स्टेरेडियंस इज द आंसर, ठीक है। ये स्क्वायर डिग्री को हम इस तरह लिखते हैं, डिग्री लगा लें और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, हार्ड बॉल इज डिसइंटीग्रेटेड टू 10 स्मॉल सर्कुलर बॉल्स, एक हार्ड बॉल को तोड़ा गया 10 स्मॉल सर्कुलर बॉल्स में, द नंबर ऑफ स्टेरेडियंस ईच पार्ट सरफेस फॉर्म्स विद इट्स सेंटर इज, हर पार्ट का सरफेस अपने सेंटर के साथ जो स्टेरेडियंस बनाएंगे वो क्या होंगे। तो आप शायद इसको 4 पाई डिवाइड बाय 10 से करें, जो कि गलत होगा, 4 पाई 1 का तो 4, तो 10 का क्या होगा, 4 पाई बाय 10, वो गलत होगा, क्योंकि जो आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स बन रही है वो भी सर्कल्स हैं। यहां बताया गया है द नंबर ऑफ स्टेरेडियंस ईच, बल्कि टू 10 स्मॉल सर्कुलर बॉल्स,
तो वो भी आपके पास सर्कुलर बाल्स बन रहे हैं और हर बाल का अपना सरफेस है और वो सरफेस अपने सेंटर के साथ वही 4π स्टेरेडियन एंगल बनाएगा जो पहले वाला बाल बना रहा था। याद रखे, बाल छोटा हो बड़ा हो, जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो, उसका सरफेस अपने सेंटर के साथ 4π स्टेरेडियन एंगल बनाएगा। चाहे आप उसको तकसीम करें और वो फिर 100 टुकड़ों में 1000 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, लेकिन जो आखिरी हमारे पास पार्ट है वो भी सर्कुलर है, वो भी स्फेरिकल है, तो उसका सरफेस अपने सेंटर के साथ वही 4π स्टेरेडियन एंगल बनाएगा। थैंक्स अ लॉट।